न हो या महंगाई से दो दो हाथ, कैबिनेट में आने वालों की राह में कांटे कम नहीं है। मनसुख मांडविया, हाय हरदीप सिंह पुरी, मैं भूपेंद्र यादव। हर्षवर्धन गए, मनसुख भाई आए, लेकिन कोरोना का भय बरकरार है। धर्मेंद्र प्रधान गए, हरदीप पुरी आए, लेकिन पेट्रोल डीजल में आग जारी है। निशंक की विदाई हो गई, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन छात्रों के भविष्य का सवाल अब भी जिंदा है। श्रम मंत्रालय की कमान भी संतोष गंगवार के हाथों से निकलकर भूपेंद्र यादव के हाथों में आ गई है, लेकिन कोरोना काल में मजदूरों के हितों का सवाल अब भी जिंदा है। नरेंद्र मोदी ने चेहरे तय कर दिए हैं, 78 मंत्रियों का भारी भरकम कैबिनेट तैयार है। 3 मंत्रियों की अभी भी गुंजाइश है, लेकिन वक्त की गुंजाइश नहीं बची है। 2 साल खत्म हो चुके हैं, खाते में सिर्फ 2.5 साल का वक्त ही बचा है, यानी वक्त राई की तरह और चुनौतियां पहाड़ जैसी। चुनौती नंबर 1, 2024 जीतना तो कोरोना को हराना। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर से शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिस कोरोना से निपटने की नाकामी में हर्षवर्धन निपट गए, उसी कोरोना को निपटाने की चुनौती मनसुख मांडविया पर है। मांडविया गुजराती हैं, मोदी अमित शाह के विश्वस्त हैं, संघ की पसंद है, लेकिन कोरोना एक बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई, 45,000 से ज्यादा मामले आज भी आए हैं। एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं तीसरी लहर 1-2 महीने में दस्तक दे सकती है। मोदी सरकार का मूल्यांकन कोरोना से जीत हार पर ही होगा। चुनौती नंबर 2, महंगाई का गुणा भाग, पेट्रोल डीजल में आग। हाय हरदीप सिंह पुरी, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हवाई जहाज वाला विभाग देखते रहे, हरदीप पुरी ने उड़ान भरी है। प्रमोशन के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रभार मिला है और आज ही देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 से भी काफी आगे निकल गई। पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वैट लगता है, वहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें जैसे आसमान छू रही हैं। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि हम आपको भोपाल की कीमतें बताएं, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल अनूपपुर जिले के कोतमा में बिक रहा है। पेट्रोल वहां पर 111.95 रुपए, यानी लगभग 112 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल बिक रहा है, तो डीजल जो है वो 101 रुपए की दर से वहां बिक रहा है। चुनौती नंबर 3, धर्मेंद्र बने शिक्षा के प्रधान, कैसे होंगे इम्तिहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्लान में शिक्षा विभाग की कमान धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में है और चुनौती है स्कूली छात्रों का इम्तिहान कराने की। कोरोना के खतरे के बीच धर्मेंद्र प्रधान कैसे इम्तिहान का इम्तिहान पूरा कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो। कैबिनेट विस्तार में कुछ फैसले चौंकाने वाले रहे। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर को इस्तीफा देना पड़ा, हर्षवर्धन को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। बड़े मंत्रियों से इस्तीफा लेकर पीएम मोदी ने साफ बता दिया है कि नाम नहीं काम का सिक्का चलेगा, तरक्की। नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हिमांशु मिश्रा, आज तक। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।